हो रही दादी, और दादी के पास हाँ गई पहले ही, दादी के पास गई, देखो दादी के पास रहती है। तो दोस्तों देखिए कितना बढ़िया मूली तैयार है, देख रहे हैं। तो ऐसी मोटा मोटा हम मूली लेंगे खेत से। पूरे में ढूंढ ढूंढ के मोटा मोटा मूली निकालेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा हूँ मूली के पराठे। देख रहे हैं मूली कितना मोटा मोटा खेत में हुआ है। मूली का पराठा सेहत के लिए तो अच्छा है ही, पेट के लिए भी मस्त है। तो देख रहे हैं 1 किलो जितना मूली ले लेते हैं। और देखिए एक खास मूली का ट्रिक, जब मूली बैठ जाता है ना तो देखिए जमीन जो होती है ना वो खुद ब खुद थोड़ी सी फटी फटी दिखती है। देखिए ये मूली बैठने की वजह से, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया। तो ये वाला देखिए मूली कितना अच्छा हुआ है, इसका नाम है नेवार। ये और मोटा होगा। अरे भाई कितना मोटा है रे, बड़ा मजबूत था, ये हमसे भी मजबूत था। देख रहे हैं खेतों में से मैं मूली देख देख के ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपना जरूरत भर के निकाल लेती हूँ। तो अभी तो बहुत कुछ बनाना है दोस्तों, मूली तो खेतों में बहुत सुंदर हुआ है, अचार भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए। ये जो मूली है ना काफ़ी मीठा मीठा है, तो थोड़ा ज़्यादा ही ले ली हूँ, 1 किलो से ज़्यादा ही ले ली हूँ। वैसे तो वजन तो किया नहीं है, लेकिन 1 किलो जितना से ज़्यादा है। तो चलते हैं घर। बैठ के ना खेतों का देखभाल किया जाता है, अभी कोई है नहीं तो मैं बैठ लेती हूँ, जब वीडियो कोई देखेगा तब ना पता चलेगा। पर यहाँ पे बैठना ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से ना पूरे अगल बगल के सब खेत दिखते हैं, दूर दूर तक नज़ारे दिखते हैं, इतना अच्छा लगता है। इस तरीके से आप बैठ के ना घंटों नेचर को निहार सकते हैं और अपनी आँखों को सुकून दे सकते हैं। अब आपको मैं कैमरे में दिखा सकती हूँ दोस्तों कि यहाँ से फीलिंग कैसा लग रहा है। देख रहे हैं पत्ता हिल रहा है, चिड़िया बोल रही है, खेत लहलहा रहा है, बढ़िया हरियाली है। सुबह सुबह और चिड़िया बोलती है, सुबह सुबह चिड़िया इतना अच्छा चहचहाती है यहाँ पे कि आपका मन कहेगा कि यहीं मैं लाइफ टाइम रह जाऊँ। तो दोस्तों फिलहाल तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी क्योंकि हमें बनाना है मूली का पराठा, नहीं तो सूरज देव देखिए कहाँ चले गए, ओ चले गए हैं, और घर पहुँचते पहुँचते हो जाएगा लेट।
कांटे वाला तो क्यों नहीं रखेगा खड़ा रहता नहीं। हाँ हाँ निकिया तू फटाफट चकुया खींचबू चकुया खेत में रहू तक खर ना पड़े फेर में बाल नोचती है तू जितना देर मोरे भी खोल देव तो देर आज भी पूरा सो देनी समझ गए तारा ऐसा मैं पानी डाल दा फटाफट हम निकिया निकिया हम जाते हैं नेचर को एंजॉय करने। अच्छा नेचर भागा तक तरह से जब घीसा ही के पता करा कहीं अथी का छोड़ कर रही छिलका का जो फटाफट छिल दो पहले धो ली का ना बाद में धो दिए तो दस तो देखिए इसको हल्का हल्का हम छील रहे हैं एकदम हल्का हल्का सब मुरई के बने हुए पराठा। हाँ इधर हमारे पति देव पतरका रहे दम खाए खाते निकी आ रहे हैं अभी तो पतही हो एकदम लाकन लाकन बा हो साग बना दी तो बढ़िया रहा था मूली के पराठा खा बड़ 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 पेट साफ हो जाता है गैस सारा निकल जाता है कहीं कड़वा मूली मत किन खा लिए ना तो फिर रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। आज शाम के खाने में अपने पति जी के लिए बना रही हूँ एक बार धो दी बड़का घी तो छोट छोट घिस कर रहे दे दी ये पता नहीं कैसे मुझे घिसती है एकदम खड़ा रखो मुझे को ऐसे ऐसे देखो तो एक घंटा में मूली घिसती है तुम खड़ा मूली का रखेगा चाहिए घिसे के बाद फटाफट इसीलिए हम ऐसा काम करते हैं कि अगला को लगेगा किसको नहीं आता है और सामान इकट्ठा करो फटाफट उसको कहते हैं टैलेंट टैलेंटेड बीबी मैंने मुरई घिसे ना आवे टैलेंटेड बीबी पति काम करते हैं ना उसकी बीवी बड़ी खुश रहती है ऐसा हमारे दोस्त बोलते हैं भूज के बनाए की ऐसी जैसे तरह मर्जी करेंगे हमारा खोया से मत करना भूज के गीला हो जाता है तो यहाँ पे जितना मूली का कद्दूकस किए हैं ना ये कपड़ा में डाल देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पानी होता है ना कहो तो इसको निकाल देंगे नहीं तो पराठा बनना मुश्किल हो जाता है। अब इसको इसका जूस पी जाइएगा जूस तारा का देता नहीं नीमा को मुख डाल के मरीचा आज हमारी मैडम पिएगी जूस बोल रही बहुत गैस बनता है एक गिलास निकलिए कितना फाइबर बना अरे वाह मालूम पड़ता है कि नारियल के घीस कर रखा लगा है लड्डू मस्त बनी जी ऐसे भी ट्राई करेंगे ना तो थोड़ा बहुत निकल ही जाएगा इसका लड्डू बनाऊंगी मैं तो दोस्तों थोड़ा ज्यादा मर्चा डाल दीजिएगा पति खाने वाला नहीं था। हाँ पति देव ना बड़ा परेशान करते हैं बोल रहे हैं कि मेरे लिए मूली का पराठा बनाओ वैसे दोस्तों हम रात का खाना अवॉइड करते हैं लिक्विड खाते हैं ठीक है लाला जी तो आइडियल वेट पे आ गए हैं तो रात को पराठा भी खा सकते हैं हमारा रहता है लिक्विड खाना
जैसे कि दलिया, सूप, सेक, ये सब लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, तो दो चुटकी हम हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। दो चुटकी हल्दी पाउडर डालने के बाद में दो चुटकी मिर्चा पाउडर भी डाल देंगे, थोड़ा चटपटा बनाऊंगी उनके लिए। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी आधा छोटा चम्मच डाल देंगे। और थोड़ा सा आम चूर पाउडर दो चुटकी डालें। ये सब हो गया। थोड़ा सा धनिया पत्ता नहीं डालिएगा, ज़्यादा धनिया पत्ता डालिएगा। ज़्यादा डाल के इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी मिला देंगे तो और बढ़िया, नहीं तो बिना गरम मसाला का भी बना सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा इस तरीके से, हल्के हाथों से। इसमें पानी नहीं होना चाहिए मूली में, तभी जाके बढ़िया आपका पराठा बनेगा। देख रहे हैं, इस तरीके से गला के रख लीजिए। जिंदगी की सफर में अब ये जैसे ही इसको रख दीजिएगा ना, थोड़ा पानी छोड़ देता है, तो इस तरीके से दबा दीजिएगा हाथों से ना, तो पानी साइड आ जाएगा। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे करके रख दीजिए। अगर पानी होगा तो इधर निकल जाएगा, ऐसे ऊंचे पे कर दीजिएगा। तो फिलिंग हमारा तैयार है। इधर हम आटा गूंथ लिए हैं, इसमें थोड़ा सा नमक है और बाकी कुछ नहीं, पानी डाल के गूंथे हैं। तो देखिए फीलिंग ना, जैसे कि आप इसमें नमक वमक डाल दीजिएगा तो ये पानी फिर से छोड़ देता है। तो इस तरीके से हाथों से निचोड़े फिर, या तो फिर कपड़े में डाल के इसको निचोड़ लें। थोड़ा सा नमक कम हो जाएगा, थोड़ा शुरू में नमक ज़्यादा डाल दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी छिड़क सकते हैं आप। तो देखिए कितना सूखा सूखा हो गया और कितना क्वांटिटी कम हो गया, मूली बिल्कुल एकदम ड्राई हो गया है। अब हम सूखा आटा लगा के छोटा छोटा बड़ा बड़ा जैसा मन करे वैसा आप पराठा के लिए भर लें। इस तरीके से मतलब बनाएंगे ना तो पराठा फटेगा भी नहीं मूली का और बढ़िया बनेगा। नमक डाल देने से सारा पानी इसका दोबारा रिलीज हो जाता है। थोड़ा बहुत मसाला पानी में निकलता है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब फिलिंग भर लेंगे खूब सारा, इसको लॉक करेंगे। अब इसको बनाएंगे हम पराठा, बंद करके इसको थोड़ा हाथों से पहले बड़ा कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे आसान तरीके से आप मूली का पराठा बिना फटे बना पाएंगे। अब इसको हल्के हाथों से ही बेलना है, ठीक है। इस तरीके से हल्के हाथों से बेलें, पतला मोटा। अब ये ना फटेगा ही नहीं, तो दो बार फिलिंग का निचोड़ने से ये फायदा हुआ कि ये फटना बंद हो गया है। एकदम पतला, धुआं लग रहा है। तवा गरम हो गया है दोस्तों, आ देखिए कितना पतला बेली हूँ मूली का पराठा, एकदम रोटी जैसा। जरा दीजिए, जरा दें, जरा दो। अब बिल्कुल नहीं फट रहा जी, सही बोले थे आप, इसको दो बार निचोड़ना पड़ेगा। ये सब हमारे हस्बैंड जी का कलाकारी है। अब कोई सा भी चीज़, घी, बटर, तेल, जो भी आपका मन करे लगाएं। अब एक कपड़ा के हेल्प से मैं लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। ये तो फूल रहा है जी, ये तो फूल रहा है, खूब बढ़िया है। करारा खाएंगे पराठे, तो देखिए करारा पराठा कितना बढ़िया दोनों तरफ से सीख गया, देख रहे हैं।
तो आप हाथ से ना पलटें, आप चिमटा से पलटिएगा। चिमटा बोल रही हूँ, छोलनी से। तो करारा रेडी है पराठा। जब तक एक बनाते रहेंगे तब तक दूसरा बेल के तैयार कर लेंगे। तो हल्के हाथों से बेलना है और बिल्कुल नहीं फटेगा आपका पराठा। बिना फटे बनाइए मूली के पराठे। तो अपना दही वही लेके आइए, स्टार्ट हो जाइए। वही बाद में खाएंगे, अभी ये खा लें, गरम गरम खा लिए। तो देख रहे हैं अभी पराठा बना नहीं, पहले ही जोगाड़ लेके आ गए अपना। ये देखिए दही हम लोग घर पे जमाते हैं, देख रहे हैं ना। और इसका जब इस तरह का मलाई निकल जाए, देखिए मोटा मोटा, तो हम लोग इसको स्टोर कर देते हैं। इसका घी बनाए हैं, देखिएगा, मतलब हफ्ता में 250 ग्राम आपका घी हो जाएगा अगर एक किलो दही है। तो इस तरह से आप घी भी बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं। और यहाँ पे आ गया है ये दही, इधर फूल रहा है पराठा। अब उन्हीं बोलती जामा जर गई, हमारा साड़ी जलाए है ना। यहाँ देखिए आम का अचार भी एक आ गया है, इधर दे के दस्त दी अपना प्लेट दी। देख रहे हैं करारा पराठा खाएंगे। अरे बहुत गर्म है पराठा, हो भाई ले ली ठंडा भाई। मजा दी लाइक बा। दही के साथ पराठा खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ दिखाते हैं आपको कि ये फिलिंग कितना भरा हुआ है, ये देखिए। इधर सूरज देखिए कि सूरज अभी तक उगा हुआ है, तो इस समय तक खाना खा लेना चाहिए, रात को खाना नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हम जब भी खाते हैं, अब एक साल से हम रूटीन बना दिए हैं, जब भी खाते हैं अगर रात को मेरे को खाना है तो मतलब सूरज अभी तक मतलब रहेगा तभी तक, सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस समय ये आप खा लीजिए जो भी खाना है आपको। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क किया हमारे दिए गए नंबर पे। देखिए दीदी मुरे के पराठा होके लागल। हाँ मुरे आइल हो, पराठा बन गई हो। ताजा लिया हुआ, ताजा बनाया हुआ, ताजा खा। हाँ दही के साथ मारता नहीं। सब जब जो घर बोल ले ताकि दिक्कत था। तो एक किलो मूली में आप सोच रहे हो बहुत सारा पराठा बन जाएगा, नहीं, 6 से 7 पराठा बनता है। एक बार मैंने ट्राई किया था, जैसे कि इस बार हम लोग बनाए हैं, मतलब एक बार मूली को कद्दूकस कर दीजिए, उसके बाद नमक डाल दीजिए, कद्दूकस करने के बाद पानी निकाल दीजिए, और फिर पानी निकालने के बाद फिर उसमें नमक डालिए, मसाला वसाला कोई मत डालिए, मिर्चा अदरक कुछ नहीं, और उसके बाद फिर उतना ही पानी निकलेगा नमक डाल देंगे तो, और उसके बाद पराठा बनाइएगा तो फटेगा भी नहीं। लेकिन आटा गीला होना चाहिए, आटा गीला रहेगा एकदम पराठा फूला फूला बनेगा एकदम मस्त, जितना फिलिंग कोई पराठा फटेगा नहीं। तो इस तरह से बनाइएगा। तो दोस्तों बस हमारा पराठा बन ही गया, एक ही बाकी है, हैं। और कैसा लगा ये मूली का पराठा बताइएगा दोस्तों। इस तरीके से बना के ज़रूर खाइएगा, हैं। और अगर इस तरीके से बनाते हैं ना तो आपका रोटी से भी पतला आपका पराठा बनेगा, और फटने का कोई चांस नहीं। बस आपको 2 बार ड्राई कर लेना है कॉटन कपड़े में डाल के। तो फिर मैं मिलती हूँ दोस्तों ऐसी किसी रेसिपी के साथ, देसी और विदेशी दोनों मिला के एक रेसिपी लेके आऊँगी। हाँ, और आप लोग इंतज़ार कीजिएगा हमारा, आप लोग इतना कीमती समय देके हमारा रेसिपी देखते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों अगर आप लोग हमें फेसबुक पे नहीं फॉलो किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए ना, मैं रोज़ लाइव आती हूँ, आप अपना दिल का बात बताइएगा, हम भी अपना दिल के बात बताएंगे, कितना दुख देते हैं मेरे को, रोज पराठा बनवाते हैं। तो भाई सर्दी आ गया तो पराठा नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। हाँ।